जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है नॉर्मली, ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम UP SSSC जूनियर असिस्टेंट, UP पुलिस, UPSC RO इलाहाबाद हाईकोर्ट RO के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, पूजनी, आत्मज, भौदी या माननीय महोदय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जब किसी अधिकारी को पत्र लिखा जाता है तो संबोधन में उसे माननीय महोदय लिखा जाता है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। संस्कृत भाषा का जो अपभ्रंश है वह पाली है। हिंदी भाषा की जो आदजनी है वह संस्कृत है और भाषा के विकास का जो क्रम है वह संस्कृत, पाल, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, यह जो है भाषा के विकास का क्रम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाल। अगला प्रश्न देखते हम लोग, कवि और उनकी रचना का कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, परिमल निराला, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो असुमिलित युग्म है वह है आपका ऑप्शन डी। उद्धव शतक जो है यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, उद्धव शतक। बाकी तीनों जो है वह सही है, तीनों जो है युग्म सही सुमिलित है। शिवराज भूषण जो है भूषण की रचना है, शब्द रसायन जो है कविदेव की है और परिमल जो है वह निराला जी की रचना है। तो ऑप्शन डी जो है इसका वह सही है। आराती, आराती, आरती का अर्थ है, आराती आरत का युग्म का अर्थ है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शत्रु और विराम। आरत का जो अर्थ होता है वह शत्रु होता है और आरत जो शब्द होता है आरत, उसका जो अर्थ होता है वह विराम होता है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। मुहावरे का सही अर्थ चुने, 3-13 करना मुहावरा दिया गया है, उसका अर्थ क्या होगा आपको यह बताना है। टाल मटोल करना, हरा देना, सिद्धांतहीन होना या बिखर जाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिखर जाना अर्थ होता है 3-13 करने करना मुहावरे का अर्थ। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। चार कवियों के नाम दिए गए हैं, कबीरदास, बिहारी, सूरदास, तुलसीदास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिहारी जो है वह रीतकाल के कवि हैं और बाकी तीनों जो हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये सभी जो है भक्तिकालीन कवि हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। होनहार बिरवान के हो चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। चार ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा, होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। आठवां जो प्रश्न है वह है छप्पय, छप्पय कितनी चरणों का छंद है, 10, 12, 6, 24। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छप्पय में
जो चरण होते हैं कुल 6 चरण होता है, और 56 छप्पे जो है यह रोला और उल्लास छंदों का जो है मिश्रण होता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला होता है और अंतिम 2 चरण जो होते हैं वह उल्लास होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है, छप्पे में जो है कुल 6 चरणें होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है, माधुर्य, ओज, प्रसाद या ये सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओज की प्रधानता होती है वीर रस में, और वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है, उत्साह होता है वीर रस का अस्थायी भाव। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए, वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है, वह इस इलाके का विख्यात चोर है, वह इस इलाके का प्रिय चोर है, या वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वह इस इलाके का कुख्यात चोर है, यह वाक्य जो है शुद्ध है। प्रश्न नंबर 11 है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है आपको यह बताना है, 2, 3, 4 या 5? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वाक्यों का जो वर्गीकरण किया जाता है वह 2 आधार पर किया जाता है, एक तो रचना, रचना के आधार पर, दूसरा जो है अर्थ के आधार पर। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के जो है कुल 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि संधि, ये जो है 5 भेद हैं स्वर संधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी साहित्यिक कृत की समालोचना करने वाला के लिए जो है एक शब्द क्या होगा, प्रेक्षक, समीक्षक, उपेक्षक या परीक्षक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, किसी साहित्यिक कृत की समालोचना करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह होगा समीक्षक। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थी समूह कौन सा है, 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से जो है कर का कौन सा अनेकार्थी समूह है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कर का जो उपयुक्त अनेकार्थी समूह है वह आपका ऑप्शन सी, हाथ, किरण और करना। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। दोस्तों अगर आप UPPCS प्री 2024 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा UPPCS प्री 2024 का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यह कोर्स आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं ले सकते हैं। इसमें आपको फुल स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरेंस, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। पेड कोर्स के लिए आप हमारे नंबर 8564880530 या 7523864445 जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पेड कोर्स आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव, यह विकल्प जो है वह सही है। ऑप्शन ए जो है वह सही है, चपला, सौदामिनी, चंचला, ये तीनों जो है वह बिजली के पर्यायवाची हैं। शार्दुल, केहरी, व्याघ्र, ये तीनों जो है वह शेर के पर्यायवाची हैं। विनायक, भालचंद जो है वह आपका गणेश का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग में सही नहीं है, प्रचुर, पर्याप्त, पाच्य, अपाच्य, प्रसार, संकोच, निराधम, नर पुंगव? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रचुर का जो विलोम होगा वह आपका अल्प होगा, प्रचुर का जो विलोम होता है वह अल्प होता है, बाकी तीनों जो है वह सही सम्मिलित हैं।
पाच का जो है अपाच होता है, प्रसार का संकोच, निराधम का जो है नर पुंगव होता है। तो ये तीनों जो है सही है, बाकी जो है ए का जो प्रचुर का विलोम होता है वह अल्प होता है। निम्नलिखित में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, दुधारी, प्रभाव, अपवाद, प्रशंसक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रशंसक शब्द जो है यह उप प्रत्यय से बना है और इसका जो मूल शब्द है वह प्रशंसा है। प्रशंसा में जो है इसमें का प्रत्यय जुड़ा हुआ है, का प्रत्यय, तो यह जो है प्रशंसक हो गया है। बाकी तीनों शब्द जो है दुधारी में जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जो है वह शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है वह शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें जो है प्रभाव में जो है वह भाव, भाव मूल शब्द है और इसमें जो है प्र उपसर्ग लगा हुआ है। अपवाद में जो है वाद जो है मूल शब्द है और अप जो है इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है, प्रशंसक में जो है का प्रत्यय जुड़ा हुआ है और मूल शब्द इसका जो है वह प्रशंसा है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, दंड, दाढ़ी, दिवाली, दाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दंड शब्द जो है यह तत्सम शब्द है, बाकी तीनों जो है यह तद्भव शब्द है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सा शब्द पुलिंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुलिंग नहीं है, व्यक्ति, उपकरण, भाषा, लेखक। इसमें भाषा जो है वह स्त्रीलिंग का शब्द है, भाषा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों जो है वह पुलिंग है। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। आपके सामने चार बार ऑप्शन दिया गया है, निषेधवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निषेधवाचक जो है यह क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। क्रिया विशेषण जो है कुल क्रिया विशेषण के जो है कुल चार भेद होते हैं, स्थानवाचक हो जाएगा आपका, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये चार भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, निषेधवाचक जो है वह क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।